चिकन लेग पीस बनाए हैं, तो देखने में कैसा लग रहा है। बस इसके बाद ये देखते हैं कैसे बनाते। आज बनेगा चिकन लेग पीस। चिकन लेग पीस, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये अरारोट है, ये मैदा है, ये रेड चिल्ली है, और ये चिकन मसाला है, और ये अंडा है। पहले अंडा फोड़ेंगे। इसको पेस्ट करते हैं, खा लेते हैं। लहसुन को डाल देंगे, अदरक को भी डाल देंगे, इसको पेस्ट करेंगे अच्छे से। अंदर अंदर में घुस जाए जैसे पूरा एकदम। म्यूजिक पाउडर, अच्छा से मिखाना है पूरा एकदम, अंदर अंदर में जैसे चल जाए पूरा। चिकन मसाला, इसके बाद नमक, अच्छा से करते हैं। कैसे दिख रहा है? ठीक है, इसको मेल्ट करके अच्छा से मिलाएंगे। नमक, मिर्ची, मसाला सब उसका अंदर अंदर घुस जाना चाहिए। नमक थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब डालेंगे मैदा 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच, अढ़ाई चम्मच मैदा हुआ। हम डालेंगे अरारोट, अरारोट 3 चम्मच डाल देते हैं। अब इसको फेंटना है। अच्छे से फेंट के अच्छे से लगाना है, कटोरा छोटा हो गया। इसको थोड़ा देर पास से ग्रीस पर रखेंगे, थोड़ा बच जाएगा। तेल डाल दिए हैं, अब तेल गरम हो रहा है यार। इसमें अपना चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, तेल जब तक हीट हो रहा है उसके बाद जाके डालेंगे। डाल दिया है, जैसे फ्राई होगा। और हम मसाला के लिए प्याज है, एक प्याज, मिर्चा, एक चिकन लाल वाला, 5-10 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा। उनका देखते हैं,
तरीके से एक एक तो फ्राई करके निकाल रहे हैं। सिंगल फ्राई होगा, सबको एक एक करके सिंगल फ्राई कर लेंगे पहले, क्योंकि चिकन लेग पीस है ना, तो अंदर तक पकने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा एक एक करके ऐसे फ्राई करके निकालेंगे। दूर करके रखो छिटा। तीन डालने से जगह नहीं आएगा। देखिए फ्राई किए हैं, डबल फ्राई, डबल डबल फ्राई करके अभी रखे हैं। प्याज को और कैप्सिकम को थोड़ा फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद इस सॉस का पेस्ट बनाए हैं। चिल्ली सॉस और टमाटर सॉस को पेस्ट करके रखे हैं। मसाला में डालने के बाद डालेंगे ये मिर्ची रखे हैं। अब इसको थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद उतारेंगे और ग्रेवी बनाएंगे। भूज लिए, प्याज भी भूज लिए, सब है इसमें। अब तेल निकालेंगे और उसका ग्रेवी रेडी करेंगे। मिर्ची फ्राई कर रहे हैं, इसमें से प्याज लेकर डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर दिया हमने, सॉस को थोड़ा फुटा लेंगे। एक एक करके ब्लैक पीस डालते हैं, एक दो या तीन चार पाँच। नमक थोड़ा डाल दे रहे स्वाद अनुसार। हो गया रेडी चिकन का पीस, कैसा लग रहा है बताइएगा।